तो ये देख सकते हैं पूरी एक बोरी है इसके अंदर। क्लिप्स मंगवाए हैं ये देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको कट दिख रहा होगा है ना, ये देखिए फ्रेंड्स पहचान पा रहे हैं कौन सा मीडिया है ये। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी, और आप हैं काविश के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज न्यू फिशेस फॉर 7 फीट टैंक। तो फिर जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे 7 फीट का टैंक है, फ्रेश वाटर टैंक है ये। उसकी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसमें कुछ हम लोगों ने मॉडिफिकेशन करा था, इसको कुछ अपग्रेड करा था। तो वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वाली सारी वीडियो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसके अंदर क्या क्या करा था हम लोगों ने, इसके अंदर एरवानो को कैसे मूव करा था, ऑल दैट सारी चीज़ें हैं उसमें। तो आज हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, फिशेज आने वाली हैं, चारबाग स्टेशन हमको जाना है। तो स्टेशन जाने से पहले हम लोग को 7 फीट को टैंक थोड़ा सा इसमें इसको प्रिपेयर करना है नई फिशेज के लिए, क्योंकि नई जो फिशेज आने वाली हैं वो थोड़ी छोटी हैं। और उस टाइम पीरियड जब तक वो छोटी है, जब तक वो बड़ी ना हो जाए, उस टाइम तक हमें अपनी एरवाना से बचाने की। एरवाना देख सकते हैं काफ़ी बड़ी एरवाना जो है मेरी, काफ़ी बड़ा साइज का हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज 20 इंचेस अराउंड इसका साइज है, तो ये खा जाएगी उसको। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर ये देख सकते हैं कि एक ग्लास हम लाए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं इस ग्लास की जो डायमेंशन है 2x2 का ग्लास है लगभग ये। और हमने कुछ मतलब कि कट करवाया है इसको, देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आपको कट दिख रहा होगा है ना, ये देख सकते हैं ऐसे करके कट करवाया है हमने इसको। इस साइड भी ऐसे करवाया क्योंकि जहाँ पर मेरी ब्रेसिंग है वहाँ पर हमने इसको कट करवा दिया, देख सकते हैं आप लोग है ना। बट अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ग्लास को इसके अंदर लगाएंगे इस टैंक के अंदर, और इस टैंक के अंदर कैसे लगाएंगे इसको। तो फ्रेंड उस लगाने के लिए ये देख सकते हैं हमने कुछ इस क्लिप्स मंगवाए हैं, ये देख सकते हैं कुछ होल्डर्स हैं, ये देख सकते हैं ये ग्लास होल्डर्स हैं जो कि आप लोगों ने अक्सर ये जो एक्वेरियम शॉप्स वगैरह होती हैं उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा पार्टीशन लगा के उसके अंदर वो लोग फिशेज ऐड कर देते हैं। मतलब कि कुछ अगर एग्रेसिव फिशेज हैं, फॉर एग्जांपल एक साइड गोल्ड फिश है, बीच में पार्टीशन लगा, दूसरी साइड सिकलेट फिशेज रख दी या कैट फिश रख दी, तो इस टाइप के पार्टीशन यूज़ करते हैं फिश शॉप वगैरह में। तो वही चीज़ हम भी करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स वहाँ पर देखा होगा कि वो लोग 2 या 4 बस लगा देते हैं और काम हो जाता है। बट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड मेरी जो एरवाना है ये साइज बड़ा है इसका, ये ग्लास गिरा सकती है और जो मेरे फिशेज है मेरा 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा अगर ये साइड आ गई। तो उसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग 15 पीसेज लगाएंगे। ये मतलब कि 15 हमने मंगा लिए हैं, बट अब हमें लग रहा है कि 5 इधर लगा देंगे, 5 उस साइड लगा देंगे, 5 हमें नीचे सोचे थे लगाने के लिए। बट अब हम सोच रहे हैं कि नीचे ना लगाएं, क्योंकि ग्लास हमें लग रहा है कि ग्लास जैसा कटा हुआ है वो नीचे नहीं आ पाएगा, ग्लास ये पीसेस नहीं आ पाएगा। तो 6 आगे 6 पीछे हम लगा देंगे, इतने में भी काम चल जाएगा उम्मीद है। क्योंकि हमने एक दो लोगों से डिस्कस करा शॉपकीपर से, तो वो लोग यही बोले कि भाई 2 ही काफ़ी रहते हैं, 5 तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अजय फ्रेंड इसके अंदर 6 6 12 लगा देंगे हम इसके अंदर, और आई होप सब कुछ सही रहेगा। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो ये ग्लास रहा अपना, अब इसमें हम लोग लगा लेते हैं। ये 5mm का ग्लास है, एक सबसे नीचे जाएगा, आ गया। तो फ्रेंड 5 पीस लग गए हैं, देख सकते हैं कैसा लग रहा है 5 पीस लगने के बाद है ना। हमें लग रहा है इस वाले पीस को थोड़ा सा और नीचे खिसकाना पड़ेगा, तभी और पीस आ पाएंगे। तो देख सकते हैं पूरा ग्लास रेडी हो चुका है, इसके सारे लग चुके हैं, इसको उठाते हैं और अपने टैंक में लगाते हैं। तो चलिए अब इसको ऊपर उठाते हैं और टैंक के अंदर लगाते हैं। अरे यार पैरेट इधर रह गई, अब इसको उस तरफ मूव करें। पानी के अंदर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसको इस फ्लिपर से धक्का देते हैं।
चलिए काफ़ी हद तक तो ये आ गया। और हमने एक चीज़ और क्या करी है, इसको देख सकते हैं, नाप लेते हैं कितना एरिया है ये। तो ये हो गया है अपना 32 inches, लगभग ये 2.5 feet का एरिया हो गया है। यहाँ से यहाँ तक 32 inches है, 30 inches 2.5 feet होता है, बट लगभग हम कह रहे हैं ना, तो 2.5 feet into 2 feet into 2 feet ये इतना एरिया सही रहेगा, क्योंकि कई सारी फिशेज आने वाली हैं, एक दो नहीं है, है ना। तो ये कर दिया इसके अंदर, और हम सोच रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इसको ब्रेसिंग, हमने यहाँ पर देखते हैं ब्रेसिंग आ गई है, देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेसिंग है। तो ब्रेसिंग में हमने टिका दिया ताकि जो वाटर इधर से आ रहा है ना, वाटर का फ्लो इधर से हो रहा है, तो ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर से ऐसा ना हो कि ये धीरे धीरे खिसकते किसी दिन रात में गिर जाए, या ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए यहाँ पर इसको ब्रेसिंग पर टिका दिया है। यहाँ पर ये रुका रहेगा, और एरवाना से खाली इस तरफ प्रेशर पड़ेगा, तो इधर अगर धक्का मारेगी तभी गिर सकता है, इस तरफ से सारे फीचर्स जितना भी धक्का मारे वो गिरेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर ब्रेसिंग है। और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सिलिकॉन भी लगा दें ऊपर, तो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा ऊपर, बिल्कुल टेंशन फ्री फिर हो जाएंगे। और जब हटाना होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सिलिकॉन काटना पड़ेगा, बट हाँ एक अच्छा जुगाड़ हो जाएगा अगर हम लगा देते हैं, तो थोड़ा सिलिकॉन भी लगा देते हैं ऊपर। सो फ्रेंड, सिलिकॉन लगाने जा रहे हैं हम लोग इसमें, ये जो इसकी एज है यहाँ पर, जहाँ पर दोनों ग्लास टच हो रहे हैं, मतलब कि ब्रेसिंग और ये दोनों ग्लास टच हो रहे हैं, उसी के बीच में सिलिकॉन लगा देंगे। सो फ्रेंड, ये देख सकते हैं ये दोनों ग्लास जो हैं, इसी के बीच में सिलिकॉन लगा के दोनों को ब्रेसिंग, और ये बीच में जगह देकर सिलिकॉन लगा देंगे, थोड़ा सा सिलिकॉन लगाएंगे बस, और लगा के फिर इन दोनों को चिपका देंगे यहीं पर, ताकि ग्लास बिल्कुल भी शिफ्ट ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स एरवाना काफ़ी बड़ी, और अगर ग्लास रात में गिर गया तो समझिए कहानी ख़त्म पूरी। सो फ्रेंड, ये देख सकते हैं कुछ ऐसे सिलिकॉन लगा दिया है ब्रेसिंग के और ग्लास के बीच में, ये देख सकते हैं, और इसको ऐसे ही रहने देंगे, ज़्यादा सिलिकॉन नहीं है, बस हल्के से कुछ डॉट्स रखे हैं, देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, देख सकते हैं डॉट्स ऐसे स्क्वीज हो गए हैं, इधर से भी कर देते हैं थोड़ा सा, बस इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसके बीच में गैप देख सकते हैं, अभी भी गैप आपको दिखेगा, ये गैप इसलिए जब हमको हटाना हो तो ईजिली मेरा थर्माकोल कटर इसके बीच में चला जाए और हम सारा सिलिकॉन काट दें इसके बीच का। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसे हमने इसको रोक दिया है ऊपर से, साइड से पूरे हमने वो लगा दिए, अपने सक्शन कप लगा दिए हैं, ऊपर से ये लगा दिया है, और नीचे हम सोच रहे हैं जो नीचे वाला साइड है, ये जो नीचे वाला साइड है, इसमें हम सोच रहे हैं कि कुछ हैवी रॉक्स वगैरह नीचे रख देंगे, तो उससे फिर शिफ्ट नहीं कर पाएगा एरवाना जो है, बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर पाएगा इस ग्लास को नीचे साइड से, तो सारे साइड से बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। और मतलब आप लोग को ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट फ्रेंड्स ये थोड़ा ज़रूरी रहता है, क्योंकि एरवाना का साइज़ देख रहे हैं क्या साइज़ है फ्रेंड्स, मतलब कि साइज़ तो बहुत ही बेहतरीन है ऐसे देखा जाए तो, बट एरवाना जो नई फिशेज आने वाली हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा है। सो फ्रेंड्स, अपना ग्लास जो है फाइनली अटैच हो गया है, रख गया सही जगह पर, बस नीचे कुछ रॉक्स हम रख देंगे यहाँ पर, इस साइड साइड दोनों साइड रॉक्स रख देंगे, ताकि ये हिलने ना पाए ग्लास नीचे से बिल्कुल भी ना हिलने पाए। और आप लोग को थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा कि भाई बेवकूफ़ी कर रहे हो, इतनी कोई नीड नहीं है करने की, फ्रेंड्स हमको ही पता है ये थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं हम, बट फ्रेंड्स हम नहीं चाहते कि जो है गलती से किसी भी दिन कुछ ऐसा हो जाए कि जो है ये ग्लास हमको गिरा मिले और एरवाना जो है मेरी सारी फिशेज को साफ कर चुकी हो और मेरा बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका हो और मछलियों की जान जा चुकी हो और कुछ मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हालत में हो, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हम यहाँ पर ले रहे हैं, हमको पता है थोड़ा एक्स्ट्रा है। अब दूसरा काम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर मीडिया ऐड करना, जल्दी से मीडिया भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, फिर चलते हैं स्टेशन। सो फ्रेंड्स, ये रहा अपना मीडिया, ये 100 लीटर मीडिया है, माना कि 100 लीटर मीडिया की नीड नहीं है, तो नीड क्या, मतलब कि इसके अंदर इतनी जगह नहीं है स्टम के अंदर 100 लीटर मीडिया ऐड करने, क्योंकि ऑलरेडी पहले मीडिया ऐड करा हुआ है हमने, और बाकी का मीडिया जो बचेगा वो मेरे दूसरे टैंक में यूज़ होने वाला है, एक और जंबो साइज़ का टैंक आने वाला है जल्द ही, तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वो वाली वीडियो भी आपसे मिस ना हो और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो बेल आइकन में दबा सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं, मीडिया कौन सा अभी आप लोग को ओपन करके दिखाते हैं। काफ़ी पॉपुलर मीडिया है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा जितने भी पुराने इस हॉबी में हैं, बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा नया होगा ये। तो ये देख सकते हैं पूरी एक बोरी है इसके अंदर,
ये देख सकते हैं, ये एक बोरी है इसके अंदर, और ये जो बोरी है, सैक है, पैकेट है, जो भी आप कहना चाहें इसको, ये अपने 100 लीटर का पैक है एक। इसको ओपन करते हैं, ये बोरी खोलने का कोई तरीका होता है? हमको तो नहीं आता है, बट हमने देखा है लोगों को खोलते हुए, एक तागा खींचते हैं पूरी बोरी खुल जाती है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मीडिया, ये जो बिगिनर्स होंगे वो तो नहीं पहचान पा रहे होंगे कौन सा मीडिया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, पहचान पा रहे हैं कौन सा मीडिया है ये? ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं K1 मीडिया, ये होता है, और K1 नहीं एक्चुअली, ये K2 मीडिया है। K2 मीडिया का साइज़ बड़ा होता है थोड़ा सा कंपेयर टू K1 मीडिया, और थोड़ा सा सस्ता आता है कंपेयर टू K1 मीडिया से। तो चलिए इसको ऐड करना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये काम कैसे करता है आप लोगों को डालने के बाद समझाते हैं कैसे काम करता है ये, और आप लोग कैसे यूज़ करना है ये। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम लोग ऐड अपने इस स्तंभ के सेक्शन में करेंगे, ये वाला सेक्शन जो है अपना, इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग, और इसको ऐसे ही डाल देना है आपको। इस फिल्टर को करते हैं थोड़ा सा साइड में और डालना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली K2 मीडिया जो था वो हमने डाल दिया है इसके अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ जुगाड़ करा। और लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या पीछे पागलपन से एक साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ करके रखा है। सो फ्रेंड्स ये हमने क्या करा एक्चुअली, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब हमने मीडिया डाला इसके अंदर, तो मेरा टैंक मतलब उसके अंदर फिर हमने पंप वगैरह लगाया है मीडिया मिक्स करने के लिए, तो जो उसके नीचे जो पूरी एक गंक जमी, डिट्राइटस जो पूरा जमा हुआ था, जो धूल टाइप की जमी हुई थी सम्प के अंदर पूरी, वो पूरी टैंक के अंदर आ गई, और ये टैंक का वाटर जो है क्लाउडी सा काफ़ी हो गया। तो फिर हमने क्या करा कि जो है इस कैंसर फिल्टर जो था हमने फिर ऑफ कर दिया, हमने जब अपना सम्प का जो पंप था वो ऑफ कर दिया हमने। फिर सम्प का पंप ऑफ करने के बाद फिर हमने यहाँ पर ड्रम के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रम के ऊपर हमने जो है ये कैंसर फिल्टर रखा, और फिर कैंसर फिल्टर रखने के बाद इसको हमने लगाया इस टैंक के अंदर, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमने फिल्टर सॉक्स लगा दिया ऊपर, ताकि जो पानी गिरे, पहले तो कैंसर फिल्टर साफ कर दे, उसके बाद में फिल्टर सॉक्स भी उसको और अच्छे से साफ कर दे, क्योंकि फिल्टर सॉक्स देख रहे हैं, ये फिल्टर सॉक्स हमारा शायद 150 माइक्रोन या फिर 100 माइक्रोन का फिल्टर सॉक्स, हमको एग्जैक्टली याद नहीं, बट इसी के बीच का कोई माइक्रोन का सॉक्स है। तो फिर ये माइक्रोन काफ़ी कम होता है, तो जब वाटर काफ़ी अच्छा पॉलिश हो जाता है, मतलब कि पॉलिश का मतलब कि जो मोटे पार्टिकल होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर। तो हमने ऐसे ही करा कि पानी एक तरफ से जा रहा दूसरी तरफ से आ रहा था, और हमने सम का सर्कुलेशन बंद कर दिया कुछ देर तक, ताकि सम के अंदर जितना भी डिट्राइटस हिला था वो सब बैठ जाए, और मतलब कि जितना हमको लग रहा है सारा डिट्राइटस ऊपर ही आ गया था, कुछ जब बचा नहीं है सम के अंदर, है ना। फिर इसके अंदर ये आ गया, फिर हमने इसको ऐसे लगा दिया। लगाने के बाद हमने इसको लगभग यही कुछ 4 आवर्स अभी हो चुके हैं, मेरी ट्रेन जो थी फ्रेंड्स काफ़ी लेट हो गई है ट्रेन, है ना। ट्रेन मतलब कि दिन में यही कुछ 3:40 पे आने वाली थी, और अभी रात का हो रहा है, ये बज रहा है रात का हमारा 11:30 हो रहा है, और अब दिखा रहा है कि हमने ट्रैक करा उसको, तो अब दिखा रहा है कि लखनऊ पहुंचने में 2 घंटे बचे, चारबाग स्टेशन पहुंचने में 2 घंटे बचे हैं उसके। तो अब हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, और जो है जाने के बाद जा रहे हैं, और फिर लेके आते हैं जल्दी से, और फिर जल्दी से अपने फिशेस को ऐड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6 आवर लेट हो चुकी है अपनी ट्रेन, तो फिशेस और ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी हैं जितना उसको आना चाहिए था। तो जल्दी से जाते हैं और लेके आते हैं, और हमको नहीं पता कि ये जो वीडियो भी हमने शूट करी है ये सब करते हुए ये हम अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स फिशेस लेने के लिए जा रहे हैं, और हमको नहीं पता कि यार ये वीडियो अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें छोटे मोटे अपडेट रहते हैं, ये अपडेट क्या मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें अपने टैंक के अंदर हम करते रहते हैं, और ये सब हम वीडियो पे यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम खाली नॉलेजेबल वीडियो बनाए यूट्यूब पे ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि ऐसी वीडियो जो रैंडम मेरे टैंक मेरे रूम के अंदर जो हम चीज़ें करते रहते हैं, कभी मरीन टैंक में, तो कभी प्लांटेड टैंक में, तो कभी अपने 2 गैलन टैंक में, या फिर छोटे मोटे, पुलिस क्यों आ गई है,
आई डोंट नो, है ना, हो तो रात का काफ़ी लेट हो गया तो गश्त लगा रही हो पुलिस, है ना। तो जो है ऐसे छोटे मोटे हम चीज़ें करते रहते हैं अपने रूम के अंदर, बट उनकी हम वीडियो नहीं बनाते। तो आप लोग बताइए, ऐसी वीडियो बनाया करें कि ना बनाया करें, कि क्या कहते हैं आप लोग। तो चलिए जल्दी से जाते हैं, फिशेज लेके आते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 6 आवर्स लेट हो चुकी है हमारी फिशेज जो हैं, तो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी होंगी। तो जल्दी जाते हैं और लेके आते हैं और फिर टैंक के अंदर ऐड करते हैं। जैकेट पहन ले भैया, बाहर बहुत ठंड है और रात भी हो गई है।